इम्पॉर्टेंट है एड्रेसिंग, बिकॉज बिना एड्रेसिंग के हम लोग कभी कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अगर बोलूँ कि भाई मैं चाहूँगा एड्रेसिंग के बारे में क्लास में जिसने टर्बन पहनी हुई है वो हमें बताएं कि व्हाट इज़ एड्रेसिंग, तो सिंपली बात है ये बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्होंने टर्बन पहनी हुई है। बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना किसी पर्सन को हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ऐसी किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए और आसान हो जाता है, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग। ऐसी कम्युनिकेशन के अंदर या कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर दो तरह की मेजर एड्रेसिंग होती है जिससे हम किसी कंप्यूटर को डिवाइस को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एड्रेसिंग क्या है, एड्रेसिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ थिंग, सिंपल भाषा में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, वन इज हार्डवेयर एड्रेस, वन इज हार्डवेयर एड्रेस एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, वन इज हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नाम से ही सुनने को आपको पता लग रहा होगा, हार्ड, हार्ड इन द सेंस वी कैन टच इट, जिसे हम छू सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक तरह का ये फिजिकल एड्रेस भी है, ये तरह का फिजिकल एड्रेस भी है, मतलब इसका दूसरा नाम आल्सो नोन एज मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, फिजिकल एड्रेस भी है ये और मैक एड्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जब भी कभी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो तो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपकी मीडिया से बाहर, मतलब मीडिया इन सेंस मीडिया एक्सेस कंट्रोल से बाहर निकलती है, जिसे हम लोग फिजिकल एड्रेस ऑफ लैंड का कहते हैं। ये एक ऐसा एड्रेस है जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, मतलब इट इज़ यूनिक वर्ल्ड वाइड। तीसरा पॉइंट है इट इज़ यूनिक वर्ल्ड वाइड। चौथा पॉइंट है इट कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार जिस एड्रेस को आपने किसी डिवाइस को दे दिया वो चेंज नहीं, मॉडिफाई नहीं हो सकता, मॉडिफाई जैसे आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसे स्पूफ कर सकते। स्पूफ का मतलब होता है कि जो मेरा मैक एड्रेस है ना वो मेरा मैक एड्रेस वो ही रहेगा, मगर दूसरों को दिखाने के लिए मैं उसे चेंज कर सकता, स्पूफ कर सकता। चेंज करने की बात ये होती है कि जो एड्रेस दिया हुआ है, जो एड्रेस डिफाइन है और उसमें अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर दो तो उसे कहते हैं चेंज कर। स्पूफ करने का मतलब होता है होता कुछ है दिखाते कुछ, स्पूफ का मतलब ये होता है। तो मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ना ही मैक एड्रेस को आप एडिट कर सकते हो, पर हाँ स्पूफ कर सकते हैं। हैकर्स लोग हैकिंग करता होगा ये भी चेंज करता हो, उतना एडवांस भी नहीं है। मैक एड्रेस हम लोग चेंज करते हैं क्योंकि हमको चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना तो हमारी आइडेंटिफिकेशन सामने वाले के पास पहुँच जाएगी। इसलिए मैक एड्रेस इज़ यूनिक वर्ल्ड वाइड और मैक एड्रेस नेवर चेंज। आप चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। और भी बोला जाता है कि मैक एड्रेस जो डिफाइन किया जाता है वो हेक्सा डेसिमल में होता है, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब आपने नंबर सिस्टम्स पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम पढ़े हैं आप लोगों ने। एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी, जो होता है 0 से 2, इसका बेस होता है ना, सॉरी ठीक है। एक होता है ऑक्टल, ऑक्टल OCTAL वाला ऑक्टल, इसका बेस होता है। एक होता है डेसिमल 0 to 9, हम जितने भी नंबर्स देते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट में, दिस इज योर हेक्सा। ये चार तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। पहला है बाइनरी BINARY बाइनरी, दूसरा ऑक्टल OCTAL वाला ऑक्टल, ठीक है जी, तीसरा डेसिमल
और चौथा हेक्साडेसिमल, मतलब बेस इज 16। अभी तक इतने ही नंबर सिस्टम आए, अभी कोई और आया नहीं है, वेट होगा, देखते हैं फ्यूचर में कब आता है, पर अभी तक इतना सफिशिएंट नंबर सिस्टम चल रहा है। तो ये जो लिखा होता है ये ऐसे लिखा होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और ये टोटल होता है आपका टोटल 48 बिट एड्रेस। इसके अंदर होते हैं 6 ऑक्टेट्स, ये टोटल एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है और इसके अंदर 6 ऑक्टेट्स होते हैं। 6 ऑक्टेट्स मतलब 8 8 के 6 खाने, 8 8 के 6 खाने। कैसे, इसका मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। इसके एग्जांपल जैसे कि 2 C 3 F 6 6 ऑप्टिक्स। मगर यही चीज अगर आप किसी स्विच या राउटर में देखोगे, ये कुछ ऐसे लिखा होता है 2 C 3 F, ठीक है ना, डॉट लिखा होता है, कॉलन नहीं होता वहाँ पर, और 0 9 F F, देन 8 6 D। डिवाइस में, राउटर एंड स्विच में अगर आप इसे देखोगे तो राउटर स्विच में ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। वही सेम, वही सेम डिजिट सेम है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ ए ऑक्टेट था, ऑक्टेट मतलब 8, और यहाँ हेक्सा में होता है 16 प्लस 16 प्लस 16। एक्चुअल में हेक्सा में होना चाहिए, ये हेक्सा में लिखा जाता है, मगर ये हेक्सा में वहाँ पर सपोर्ट भी किया जाता है। ये D1 है या 01 का? D1 0 तो प्रॉपर 0 की तरह होता है, ये इसी में से कुछ आएगा ना, और तो हो ही नहीं सकता क्योंकि F तक ही आता। क्लियर है? अब बात आती है इसको यूनिक कौन बना है? पहली बात है इसको यूनिक क्यों बनाया जाता है। देखो यूनिक इसलिए बनाया जाता है कल को अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, मतलब कल को कोई अटैक करता है, कल को कुछ ऐसा मतलब अटैक कांड करता है, तो उस कांड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा इस एड्रेस से? पहले ऐसा होता था, पहले जब भी कभी आप किसी को धमकी भरी मेल भेजते, कुछ भेजते ना, आपके पीसी का मैक एड्रेस वो भी जाता था, अब नहीं जाता, अब मैक एड्रेस नहीं जाता है, अब हमारे सिर्फ ISP की इन्फॉर्मेशन जाती है। तो पहले क्या होता था, जैसे कभी किसी ने कुछ कर दिया, पहले मैक को आइडेंटिफाई करते थे ये मैक किसका है। कैसे? क्योंकि ये जो मैक एड्रेस आपको मैंने दिखाया है ना, ये मैक एड्रेस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके तीन ऑक्टेट अलग होते हैं, तीन ऑक्टेट अलग होते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेहेंड, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट आईडी। कंपनी आईडी देने का काम किसने किया है? आईडी इसे स्टैंड, इसे यूनिक बनाने का जो काम किया है ना, वो IEEE ने किया है। IEEE की वजह से ये यूनिक है, IEEE की वजह से ये यूनिक है। ठीक है जी, IEEE की वजह से यूनिक बनाए। IEEE stand for Institute of Electrical Electronic Engineers, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, कंपनी आईडी प्रोडक्ट आईडी का डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी होती है ना, जो लैंड कार्ड बनाती है, एक्चुअली ये डिवाइसेस में होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं ना, इनमें जो कार्ड लगते हैं, इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस, लास्ट टाइम मैंने आपको NIC पढ़ाया था ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ये एड्रेस डाला जाता है, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ये आईडी डाली जाती है। ये क्या होता है, ये कैसे मिलती है? ये ना कंपनी के थ्रू मिलती है, मतलब आप गए, आपने बोला सर मैं मैन्युफैक्चर कंपनी हूँ तो मुझे लैंड कार्ड बनाने हैं, तो आप प्लीज़ मुझे एक रजिस्टर एड्रेस दे दिए ताकि उसके ब्याह पर मैं एड्रेस बना सकूँ, तो वो आपको तीन ऑक्टेट रजिस्टर करके दे देते हैं, और लास्ट के तीन ऑक्टेट्स आप अपने हिसाब से 00001 00002 ऐसे आप अपने क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट्स।
कंपनी आईडी आपको चेंज नहीं करनी पड़ती है, वो बिल्कुल मतलब एक एक फिक्स रहती है जब तक कि रेंज खत्म ना हो जाए। इसलिए कई बार आप दो पीसीस देखोगे, जैसे ये दो पीसीस सेम सीरीज़ के हैं, दो पीसीस सेम मॉडल के हैं, तो कभी इनको आप चेक करोगे, कभी इनको आप वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, तो कभी देखना इनके मैक एड्रेस एक 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 लिमिट तक सेम होते हैं, होंगे यूनिक, यूनिक तो होगा भाई, यूनिक नहीं होगा तो पंगा हो जाएगा। खोलेगा फेसबुक वो खुलेगा यहाँ पे, तो ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो यूनिक बनाने का काम IEEE ने कर दिया, पहले रजिस्टर कर दिया और बाकी तीन को अलग दे दिया भाई, अपने हिसाब से आप कर लो जो क्रिएट। इसलिए आपको मुझे लगता है 5 तक 4 तक या 3 तक तो आपको सेम मिलेगा, जब आप एक सेम सीरीज़ के लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हो आपको सेम मिलता है मैक एड्रेस, एक सीरीज़ तक सेम मिलता है, क्योंकि आप सेम सीरीज़ के मैक एड्रेस PC यूज़ कर रहे हो, सेम मॉडल, और उसका सीरियल नंबर भी आगे पीछे का होता है, एक एक नंबर का फ़र्क होता है बस, तो उस टाइम पे आपको ये मैक एड्रेस इतना सही मिल सकता है। अब ये होता कैसे है, कैसे मिलता है, क्या चीज़ होती है, जैसे कि नॉर्मली आप कोई व्हीकल खरीदते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, हैं, गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन देता है, RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वो आपको एक नंबर देता है, दिल्ली की गाड़ी है तो DL, और फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस किसका, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस किसका, मतलब जो जोन बटे होते हैं ना अलग अलग, उस जोन के साथ, वो जोन्स कौन से, जैसे दिल्ली में बहुत सारे हैं, 1S, 2S, 3S, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 8 के पास इधर 12S, यहाँ तक के जोन्स, तो अलग अलग जोन्स एरिया, तो कल को कोई एक्सीडेंट करता है ना, तो सबसे पहले उसका DL रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया जाता है कि दिल्ली की गाड़ी है भाई, अच्छा दिल्ली में भी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, फिर उसकी अथॉरिटी, तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ 2S, 3S, 4S, वो उसकी अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के बाद अथॉरिटी के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये लास्ट के डिजिट बताओ जी, किसके नाम पे आपने रजिस्टर की है, ये गाड़ी किसके नाम पे निकाली आपने, फिर जाके पकड़ में आती है वो गाड़ी जो एक्सीडेंट करती है, ऐसे पकड़ में आते हैं। और ऐसे ही जब कभी हैकर्स गलत काम करते हैं, तो पहले ऐसा होता था, हम मैक के बिहाफ पर चेक करते थे, हाँ जी ये वाला मैक आपने किसको भेजा IEEE, वो कहता जी रियल टेक एक कंपनी है जो लैंड कार्ड बनाने का काम करती है। अच्छा रियल टेक में कहाँ पे, रियल टेक को पूछा, अबे रियल टेक तूने ये वाली सीरीज, क्योंकि यहाँ तक तो रियल टेक ने पता लग गया, नेक्स्ट होता है इसमें प्रोडक्ट, हाँ जी आपका ये वाला प्रोडक्ट आपने लैपटॉप पे लगाया डेस्कटॉप पे लगाया, उसने कहा जी लैपटॉप पे लगाया, उसने बोला कि भाई ये मैंने असाइन किया है लैपटॉप पे, मैंने असाइन किया है लैपटॉप, अच्छा ये लैपटॉप आपने कहाँ शिप किया है, बोला इंडिया में, अच्छा इंडिया में किस डिस्ट्रीब्यूटर किया है, वो चेन्नई में डेल कंपनी को दिया है, डेल कंपनी यूज़ कर दी, डेल कंपनी ने वो चीज़ लैपटॉप को चेन्नई में एक्सपोर्ट मतलब कर दिया। अब चेन्नई वाले से पूछते हैं आप बताओ जी ये वाली सीरीज़ के मैक एड्रेस आपने जो लैपटॉप में लगाया उसका मॉडल नंबर तो मिलेगा क्योंकि डेल ने मॉडल नंबर दे दिया, अब बताओ ये वाला मॉडल नंबर आपने कहाँ, चेन्नई वाले कहते हैं जी हमने दिल्ली में भाई साहब पता लगती है नेहरू प्लेस में कौन सी शॉप, कोस्ट टू कोस्ट है एक, अब कोस्ट टू कोस्ट वाले के पास पहुँचने के बाद बोलते हैं हाँ जी ये वाला मॉडल नंबर उसका ये सीरीज़ किसको भेजा, फिर बंदे का नाम आया सर क्या होगा अगर हम चोर बाजार से खरीद कर लाएं लैपटॉप, तो फ़ायदा है ना उसका, पर आज की डेट में नहीं ना, आज की वो पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में जानते हो क्या होता है, आज की डेट में जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो ना, तो एक्सेस करने के बाद जो आईएसपी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उस ISP की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे चली जाती है, अब आपकी नहीं जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ ISP पे जाती है। अच्छा सर हम किसी का वाईफाई हैक करके उसका वाईफाई यूज़ करते हैं, तो किया जाता है हम लोग कभी कभी जब चोरी वाला काम करते हैं तो क्या खुद के मैक से खुद के वाईफाई से करते हैं, हैकर्स लोग कभी भी खुद के वाईफाई से काम करते ही नहीं है, खुद के वाईफाई से काम करने मतलब खुद को पकड़ाने के बराबर होता है भाई, तभी तो किया जाता है, वरना आप देखो कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनी हुई हैं उसके अंदर बड़े बड़े काम करने के बाद लैपटॉप्स को जलाया क्यों जाता है। मैं छोटी सी मूवी की बात करूँगा, अवेयरनेस डे एक मूवी थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह, हाँ सर, जिम्मी शेरगिल, बेसिकली तीन की चार आतंकवादी को उड़ा देता है, हाँ उड़ाता है, तो उड़ाने के बाद वो लैपटॉप क्यों जला देता है, घर ले जाता,
घर ले जाता। नहीं, उसकी बीवी खुश हो जाती, रोज तो आलू भाजी तरकारा लेते लेके आते हो भाई, दैया आज तो मेरी लैपटॉप लाई, वो खुश हो जाती। और उसको पता है कि अगर मैं ये ले गया और कल को इसको दोबारा यूज़ किया गया तो इट कैन बी ट्रेसेबल, और ट्रेस तो वैसे भी हो जाता है, वो हैकर लोग हैकर ही ट्रेस करता उसको। देखियो तो आपने मूवी, आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है, देख रखे सर मेरे को अभी भी है। आपकी बात नहीं, बाकी लोग भी बैठे, ये जरूरी है आपको जानना कि मैक एड्रेस की कहानी क्या है, क्योंकि ये मैक एड्रेस ना हमारे लिए ज़्यादा काम भी नहीं आता, अभी सीसीएनए में इसका ज़्यादा काम नहीं है, स्विचिंग में काम आएगा ये, क्योंकि जब कभी हम पीसी को अटैच करते हैं तो पीसी की एग्जैक्ट लोकेशन मैक टेबल में आती है कि ये वाला मैक एड्रेस इस पोर्ट पे चल रहा है, ये स्विच को बताने के लिए काम आती है, पर राउटिंग वाउटिंग में इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक लैंड कनेक्टिविटी, ध्यान रखना ये मैक एड्रेस है वो लैंड कनेक्टिविटी में, मतलब लैंड पे ज़्यादा चलता है, ठीक है ना, स्विच के अंदर ये ज़्यादा कन्फिगर होता है, राउटर को मैक से मतलब नहीं है, राउटर को मतलब है आईपी से। तो ये होगी मैक की कहानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक एक यूनिक है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला स्टार्टअप है ना, मतलब जब कभी डेटा आपके नेटवर्क से बाहर निकलता है तो मैक जरूर जाता है। ओएसआई के टाइम पर भी हम लोगों ने मैक एड्रेस के बारे में बात करी थी, कौन सी लेयर पे चलता है मैक, सेकंड लेयर, नीचे से सेकंड लेयर, उसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में इसकी खुद की एक सब लेयर होती है, LLC थी और दूसरी थी मैक सब लेयर, तो मैक सब लेयर अपनी खुद की सब लेयर है, तो आप सोचो मैक कितनी बड़ी चीज़ है। पर प्रॉब्लम क्या है, मैक के थ्रू हम कम्युनिकेशन हम नहीं करते, मैक के थ्रू कम्युनिकेशन हमने कभी किया है, हमने किसी को बोला फलाना 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 मैक पर डेटा भेज दे, हम तो ये कहते हैं फलाना फलाना IP में भेज दे, अभी हमने मैक को बोला। और मैक बहुत यूजेबल है क्योंकि आपकी डेटा की इन्फॉर्मेशन जब आपके नेटवर्क से निकलती है तो मैक जाता है, और मैक के थ्रू आपके पास ही रिप्लाई आता है, बहुत चीज़ें काम करती है उस टाइम पे। भाई क्लास के अंदर मान लो दो लोग हैं, दो लोगों का नाम सिद्धार्थ है, मैडम आई सिद्धार्थ आपको नीचे बुलाया है, दोनों लोग नीचे चले जाएंगे कहेंगे भाई सिद्धार्थ इसको नहीं इसको बुलाया, मैडम ने क्या करा, पुलिस ने तो पैदा करा एक तरीके का, अगर वो यूनिक चीज़ बता देती तो कम्युनिकेशन आराम से हो जाता, बंदा वही उठ के जाता, दोनों बंदे ना जाते। तो मैक को यूनिक बनाने की वजह यही थी कि जब कभी हम कोई कम्युनिकेशन करें तो कम्युनिकेशन प्रॉपर वही हो, उसी के पास जाए और वो वही आइडेंटिफाई करे और वही एक्सेप्ट भी करे, इसलिए मैक को यूनिक बनाने का काम किया गया है। ये मैक एड्रेस एक IC पे होता है, IC इंटीग्रिटी सर्किट कहते हैं उसको, वो जो IC होती है वो PROM होती है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें एक ही बार प्रोग्राम होता है उसके बाद नहीं होता, एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया फिक्स। तो कई लोग कहते हैं सर नहीं मैक एड्रेस तो चेंज हो जाता है, तो उनकी बड़ी गलत फहमी है, अगर आप चेंज कर लो और सॉफ्टवेयर को हटा दो, वो सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दो, गायब हो जाएगा तो वापस वही आ जाएगा जो आपका है, फिर क्या कर सकते हैं, फिर अपनी ICs निकालो, ICs को डिसऑर्डरिंग करो, मतलब आप जो मैक एड्रेस जिस IC पे होता है ना उस IC को डिसऑर्डरिंग कर दो, और डिसऑर्डरिंग करके सेम मदरबोर्ड की कोई दूसरी IC निकाल के लगा लो, तो बात तो वही आ गई, आपने मैक को चेंज थोड़ी किया, आपने तो स्पूफ करा दिया भाई दूसरी लगा दी। अब मैं क्या करता हूँ, जब कभी ऐसा कुछ कांड वांड होता है तो अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस चेंज कर देता हूँ, चेंज कैसे करता हूँ, वही IC निकाल के डिसऑर्डरिंग करके नई IC लगा दी, और ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे माइनर से पार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी दूसरा लैन कार्ड लगा के यूज़ करो, हैक करो उसके लैन कार्ड को तोड़ के फेंक दो, क्योंकि मैक एड्रेस एक ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। मैक एड्रेस हमें आइडेंटिफाई कराता है, हमें ट्रेस कराने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा, आज की डेट में बंदा ISP तक पहुंच जाता है, ISP से पहुंच के मेरे यहाँ रहेगा, और यहाँ आने के बाद वो फिर चेक करता है जी ये मैक एड्रेस कहाँ चलता है। आजकल जो ट्रेसिंग होती है वो IP बेस्ड होती है, आजकल ट्रेसिंग IP बेस्ड ट्रेसिंग होती है, IP के बेसिस पे ट्रेस आउट किया जाता है, और फिर IP के बेसिस पे वो सिस्टम निकाला जाता है जिस सिस्टम से ये कम्युनिकेशन किया गया, गलत कम्युनिकेशन किया गया। सर एक क्वेश्चन था, आप इतना पुराना लैपटॉप का यूज़ करते हैं, कोई रीज़न है क्या? हमारे लैपटॉप का रीज़न यही है कि इसमें आपने कभी उसको उसकी हालत देखी है, हालत क्या है, टूटा फूटा पड़ा है हर जगह से। यस सर, इसलिए वही तो पूछे, तो इसलिए टूटा फूटा पड़ा है क्योंकि हर बार कांड करने के बाद इसमें आराम से चीज़ें रिमूव हो सकती है,
पूरा लैपटॉप तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और कभी बड़ा कांड किया, कहीं मेरा नाम अखबारों में आया तो पूरा लैपटॉप जला हुआ मिलेगा, तो गम भी नहीं होगा 50,000 रुपये का। गेटिंग माई पॉइंट? जी। आज की डेट में तभी लोग, तभी हम लोग आज की डेट में क्या यूज़ करते हैं? रसभरी पर आजकल हम लोग 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का उससे कांड करते हैं। कांड करने के बाद उसको तोड़ के फेंक देते हैं। कांड इन द सेंस वर्ड, गलत वर्ड नहीं होता कांड। कांड सही है, सुंदर कांड है, सुना है ना आपने? कांड वर्ड गलत नहीं होता, कांड वर्ड इज जेन्युइन। कांड मतलब जो कुछ क्रिया हुई है, कुछ काम हुआ है। कांड वर्ड को गलत मत सोचना कि सर कांड कांड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अच्छा है, पाठ भी सुनते हैं हम लोग भगवान का, तो कांड वर्ड गलत नहीं। लेटिंग माई पॉइंट समझ आ गया भाई? मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कम्युनिकेशन के अंदर, बट हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, हमारे हाथ बंधे हुए, इसमें हमारे हाथ बंधे, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बात अलग है, अगर तुम हैकिंग सीखो तो हैकिंग में बहुत कुछ कर सकते हो। CCNA में इतना खास नहीं है, जब स्विचिंग हम लोग पढ़ेंगे ना स्विचिंग, तब मैक एड्रेस के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में और मतलब डिटेल इन द सेंस काम कैसे करता है। पर ये जो मैंने आपको लिखवाया बहुत सफिशियंट, दो लाइनें आपको मैंने एक्स्ट्रा बोली थी कि इट इज़ यूनिक वर्ल्ड वाइड और इट कैन नॉट बी चेंज। दो लाइनें मैंने आपको बोला एक्स्ट्रा लिखी, ठीक है ना? यूनिक होता है और पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है और इसे चेंज नहीं किया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जैसे कि IMEI नंबर होता है वो भी यही चीज़ फिक्स्ड होता है, हाँ फिक्स होता है, हाँ, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं उसको चेंज कर देता है, ये हम वो पत्ता चेंज करते हैं ना सर, वो चिप लेवल पे जाके वो चिप ही को तो चेंज किया जाता है। IMEI नंबर चेंज नहीं होता है, वो पूरी की पूरी IC चेंज कर देते हैं। पत्ता चेंज करते, वही तो चीज़ है। IMEI नंबर हो या तुम्हारा मैक एड्रेस हो, वो यूनिक होता है, वो पत्ता चेंज हो जाता है पूरा। गफार में चले जाओ, दिल्ली में करोल बाग में गफार मार्केट है, वहाँ चले जाओ आराम से आप कर सकते, ठीक है जी? इसके ऊपर इतनी कहानी नहीं है। हार्डवेयर एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और इसको फिजिकल भी बोलते हैं। फिजिकल मतलब क्यों? क्योंकि ना वो IC को आप टच कर सकते हो, हाँ जी ये मेरा मैक एड्रेस। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो सॉफ्टवेयर, सेकेंड हाथ पर जो एड्रेस होता है उसका नाम है सॉफ्टवेयर एड्रेस। इसको एक और नाम दिया गया है लॉजिकल एड्रेस, इसको एक नाम से और जाना जाता है आल्सो नोन एज IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है। इट कैन बी चेंज मतलब इसको आप अगर चाहो तो आपका आज कुछ और IP है, कल कुछ और हो सकता है। इट कैन बी चेंज, आज आपका कुछ और है कल कुछ और हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, वो इंपॉर्टेंट है इसकी वर्जन, IP की वर्जन। इसके वर्जन क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। IP के दो तरह के वर्जन होते हैं, IP के दो एड्रेस होते हैं, दो वर्जन होते हैं आज की डेट में। पर पहले क्या है, लॉजिकल एड्रेस इसलिए है क्योंकि वी कैन नॉट टच इट, वो सिस्टम पे किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डलता है। सॉफ्टवेयर इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप IP नहीं डाल सकते, ऐसा है ही नहीं। कोई ऐसा डिवाइस बता दो जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और उसका IP हो, आपको मिलेगा नहीं कभी। कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ जरिया तो चाहिए। और लॉजिकल एड्रेस होता है, ये लॉजिकल क्यों? वी कैन नॉट टच इट, हम छू नहीं सकते इसको। IC को छू के फिर ही बता देते थे कि आप यहाँ पे कोड भेजते। और इसको नाम ज़्यादातर दिया जाता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, पॉपुलर है। और इसे हम चेंज, जैसे आज मेरा कुछ हो रहा है कल कुछ हो रहा है, इट कैन बी चेंज। आज मेरा IP 192.168.1.10 है, एक घंटे बाद मैं बंद करके दोबारा सिस्टम चालू करता हूँ 10.something कुछ आ रहा है, 10 की जगह कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। पर IP एड्रेस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके दो वर्जन्स, पहला है IPV और दूसरा है
IPv6. V4 32 bit address. V6 128 bit, not 64. ये लोग सोचते 64, 64 नहीं है एक्चुअली, होता 128 बिट है, मगर हम लोग यूज 64 ही करते, यूज हम 64 ही करते। अब इसमें डेसिमल में लिखा होता है, डेसिमल फॉर्मेट, पर ये जो लिखा होता है हेक्साडेसिमल, इसमें होते हैं 4 ऑक्टेव्स, इसमें कोई ऑक्टेव नहीं होता, नो ऑक्टेव्स, इसमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन, इसमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कॉलन, इसके अंदर कॉलम, कॉलन होता है ना कॉलन, इसमें कॉलन होता है एक्चुअल, ऑक्टेव्स नहीं होता, दो बिंदु लगे होते हैं, दो बिंदु। इसका एग्जांपल क्या है, 192.168.101 इसका एग्जांपल क्या होता है, 6 का एग्जांपल। इसके अंदर 8 कॉलन होते हैं 16-16 के, ये ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट का मतलब 8-8-8, और ये होता है 16-16-16-16, 16 × 8 कितना होता है, 16 × 8 होता है 128। इस एड्रेस को छोटा किया जा सकता है, छोटा करने के लिए क्या होगा, आप लिख दो 2B3F और दो बिंदु ऐसे डाल दो और FF11, इसका मतलब होगा दोनों वैल्यूज, जो अंदर की दोनों वैल्यूज है ना वो सारी इक्वल जीरो है, जीरो आएगा तभी आता ही है, वैसे नहीं आता, जब जीरो आता है तभी सारी वैल्यूज को हम सेम करके छोटा कर सकते हैं, दो कॉलन, बट एक कॉलन पूरे आईपी एड्रेस में एक ही जगह आएगा, दो जगह नहीं आ सकता, दो जगह कैसे, मान लो एग्जाम्पल यही है, इसके मान लो बीच में कुछ और चेंज हो गया, इसके बीच में कुछ और चेंज हो गया, मतलब 2B3F, मतलब 2B3F, कॉलन कॉलन, तो मान लो बीच में कुछ था 86, ठीक है ऐसा लिखा था, और फिर यहाँ पे भी कॉलन और F11 ऐसा लिखता है, मान लो यहाँ बीच में एक वैल्यू चेंज है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, नेवर नेवर ऐसा नहीं लिख सकते, ये कॉलन पूरे आईपी एड्रेस में एक ही जगह आएगा। IPv6 का हमारा पूरा एक चैप्टर है बड़ा, उस टाइम पे हम और डिस्कस करेंगे, मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हो 2B3F कॉलन कॉलन 8612 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन FF11, इसके मतलब बीच की वैल्यू सारी 0 है, बीच की वैल्यू सारी है, पर हमने एक 0 डिफाइन करनी है, हमें जरूरी है, हम ऐसे डबल कॉलन नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 आए हुए थे, इसका मतलब ये बीच की वैल्यू पे 3 कॉलन है, वो भी 0 0, 3 कॉलन है 0 0, हम ये मान के चलते हैं, और किसी में अगर वैल्यू ऐसी लिखी हुई है तो इस वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हैं, बट ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, बट अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ और उसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, सर ये 1200 है और उसको 12 में नहीं आप कन्वर्ट कर सकते, 0012 0012 ही कहलाता है, ये चीज़ ध्यान रख, आईपी एड्रेस में कभी आपको ऐसे देखने को मिल जाए 2B आगे की 20 कहाँ गई, तो आगे की 20 का कोई मतलब ही नहीं होता, आगे की 20 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये चीज़ ध्यान रख।
सर यहाँ पे क्या बताया था आपने 8888। एक्चुअली ये जो आई पी एड्रेस V4 होता है ना, ये हर कॉलन में 8 होता है, एक ऑक्टेट, दो ऑक्टेट, तीन ऑक्टेट, चार ऑक्टेट, तो 888 टोटल हो गया। अब ये हेक्साडेसिमल कॉलन फॉर्मेट होता है, इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल कॉलन फॉर्मेट। तो हेक्साडेसिमल था, एक कॉलन होता था, 8 × 16 = 48, 4 × 8 = 12। मतलब इतने डिजिट्स होंगे इसके बीच, डिजिट नहीं, 8 कॉलन होंगे और एक कॉलन अपने आप को 16 का बताएगा, वैल्यू उसकी 16 की होगी। तो इसमें जो एक कॉलन है बीच में, तो इसके अंदर एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 1 2 खुद का, 3 4 5 6 आ रहे हैं, बीच में 2 कॉलन का मतलब इसके अंदर 2 और भी होंगे, तो ये टोटल 3 होगा। तो 8 + 8 + 16 + 16 + 48 8 + 48 इसका मतलब 3 है इसके अंदर, इसके अंदर 3 है क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं। अभी तो आई प्रोडक्ट की शुरुआत है, तो शुरुआत है, तो बहुत तगड़ी चीज़ें बाकी हैं आई प्रोडक्ट। आई पी V4, अभी V4 ही हो रहा है, V6 आ चुका है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, V6 पे भी हम काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं, जियो जितना भी है V6 पे चल रहा है, जियो आज के V6 पे और V4 दोनों पे चल रहा है, पर अभी हम लोग कम्युनिकेशन के लिए V4 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हमारे घर पे भी अगर आप इंटरनेट कनेक्शन रखो तो V4 ही मिल रहा है, V6 नहीं मिल रहा है, V6 अपने आप कन्फिगर हो जाता है। क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं, बोल बेटा। मैंने भाई इसको क्या रहा है, इसको ऊपर वाले को, इस वाले को, हाँ, तो ये क्या हुआ 16, तो ये जो बीच की वैल्यू है, अगर टोटल कॉलम होते हैं 8, वैसे अगर इसको खोल के लिखो तो ये ऐसा होना चाहिए, 8 होने चाहिए, मतलब यहाँ कितने हैं, 1, बीच में 2, क्या हो गया, 3 4 5 6 है, तो 2 बचे हुए ना, 2 किसके अंदर है, 2 इसी के अंदर है, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, 5 समझ आया देखते हैं। वो जो बीच की वैल्यू है ना, एक्चुअली टोटल जो होता है वो 8 का होता है, पर यहाँ पे हमने 6 लिखे हैं, 2 कहाँ गए, और 2 मतलब वो बीच की वैल्यू में वो 2 सेम ही है, मतलब 0 0 0, ये एड्रेस जो लिखा है ना मैंने, ये वाला, इसमें यहाँ पर भी अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो ऐसे है, ये 2B 3F, ठीक है, 3F, ये है 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आपका 8 8 6 1 2, फिर आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आपका F F 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए ना 8। तो ये टोटल को हमने छोटा कैसे कर लिया, 2 इसको छोटा कर लिया, बस और क्या था, मैं ये समझाने के लिए कह रहा था कि 2 जगह ऐसा नहीं आ सकता, किसी एक जगह आ सकता है, दूसरी जगह आप इसको ऐसे लिख दो, ये समझाने का मतलब था। और एक में 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, हाँ 4 भी आ सकते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखा नहीं आपने, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 1 2, इसका मतलब 6 कहाँ पर है, सबसे छोटा एड्रेस IPv6 का क्या होता है, छोटा एड्रेस है, कॉलम कॉलम छोटा एड्रेस है,
जी सर लिखने के लिए भाई, जब कभी कॉलन आएगा ना तो हमेशा जीरो ही होता। मैंने अभी बोला तो आपको कि जब बीच में कॉलन आएगा है ओ भाई, एक कॉलन ये रहा, एक कॉलन ये रहा, छः में से दो, आठ में से दो घटा दो कितने बचते हैं सर? वो पूछ रहा है कि आठ में से छः घटा दो, मतलब दो घटा दो कितने बचे? छः बचे, छः कॉलन है और छः कॉलन की या तू छः बार जीरो लिख या एक बार जीरो लिख, क्या मतलब है उसका? जीरो कितनी बार जीरो का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर भाई। तो चार, मैंने क्या बोला, दो बार जीरो यहाँ पे है तो अगर दो जीरो को हटा के बारह लिख दो, एक ही बात है। तो जीरो का तो कभी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो तो कभी यूज़ होती नहीं है, बाइनरी नहीं पढ़ी ना तूने कभी? बाइनरी में जीरो और वन होता है, जीरो का कोई वजूद नहीं होता, हमेशा वन का वजूद। तो जीरो मतलब यहाँ पे कितनी बार भी जीरो, जीरो कहीं भी लिख दे कोई मतलब नहीं बनता। बारह बार जीरो हो, अट्ठारह बार जीरो हो, चौबीस बार जीरो, कोई मतलब नहीं है, जीरो जीरो ही। यहाँ पे पूरे एड्रेस को देखने पे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे एक कॉलन आ रहा है, दो कॉलन आ रहा है और बीच में कॉलन कॉलन आ रहा है, तो टोटल छः आठ होते हैं, आठ तो आठ में से दो दिखाई दे रहे हैं या एक दो तीन दिखाई दे रहे हैं, बाकी पाँच का है, वो पाँच इसके अंदर है, तो एक पहले दिख रहा है और पाँच इसके अंदर, टोटल कितने हो गए? छः, एक सात, एक आठ, टोटल आठ कॉलन। मैंने बोला ना टोटल आठ कॉलन का होता है, तो जब कभी ऐसे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कितने, इसका मतलब यहाँ पे भी जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे भी जीरो 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 और यहाँ पे भी जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कहाँ, हमें ये पता सब सारे जीरो, आठों के आठों जीरो। हाँ यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ हम बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः आ रहे हैं, दो मिस है, वो दो ऐसे तो लिख नहीं सकता, तो यहाँ तो एक एक बार में लिखा ही हुआ है, वो दो किसके अंदर? हमेशा कोलन के अंदर, कोलन के बीच के अंदर ही होंगे, तो टोटल ये हो गए तीन, एक खुद को भी तो मिलाएगा बोला, एक कोलन, दो तीन चार कोलन, पाँच छः सात आठ, बस। अरे मुश्किल थोड़ी, आप मुश्किल बना रहे हो, आप सोच रहे हो उसके अंदर कितनी कोलन आएगी, अब टोटल आठ कोलन होती है, चार तेरे सामने लिखी हुई है तो बच कितनी गई? चार बच गई, और बोल, यही तो पूछ रहा था ना, कितनी कॉलन आ रही, कितनी जीरो आ रही उस, अब मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर चार तीन कॉलन आ रहे हैं, तो कितने होंगे? जीरो 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 कॉलन, जीरो 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 कॉलन, जीरो 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 कॉलन, तो चार जीरो को जीरो लिख दे या चार जीरो को कॉलन कॉलन लिख दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉन्सेप्ट समझो, जीरो का कोई वजूद नहीं है, तभी तो मैंने जीरो जीरो वन टू ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व ट्वेल्व है, हाँ वन टू डबल जीरो ट्वेल्व हंड्रेड है, उसको ट्वेल्व लिख सकता हूँ, समझे? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाली समझने वाली है IPv6 में, तभी IPv6 अभी बड़ा मुश्किल से समझ आ रहा है लोगों को, क्योंकि अभी भी हम IPv6 का एक्चुअल में 128 बिट यूज़ नहीं करते, ये 128 बिट का एड्रेस है मगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 64, सिर्फ 64 ही यूज़ कर रहे हैं, 64 ISP ने अपने पास रखा हुआ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना वो लोग। सर मेरे पास एक कंफ्यूजन है कि तेरे पास निकाल के दियो, मतलब मेरे दिमाग मुझे में, हाँ मुझे एक कंफ्यूजन है या मेरे दिमाग में जो भी रहे सर, तो नहीं जो भी है, नहीं ऑलवेज चेक व्हाट यू से, बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ जाके अगर आपको इंटरव्यू में ऐसे बोलोगे ना कि मेरे पास एक कंफ्यूजन है, बड़ा बाहर निकलना है यहाँ से। अच्छा कोई बात है सर, कि यू आर बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, यू ऑलवेज चेक योर वर्ड्स, क्या क्या बोल। अच्छा सर क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में बहुत सारे डिवाइस है, आईपी वर्जन 4 जो उसके लिए कम पड़ रहा है, तो जल्दी से मतलब और भी जो बहुत सारा डिवाइस आ चुका है उस पर कौन सा आईपी का वर्जन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? V4 V6 दोनों। V4 तुम्हें क्या लग रहा है, V4 खत्म हो चुका है? वही तो सर, V4 अभी तक खत्म नहीं हुआ, V4 अभी चल रहा है, कई लोगों ने IPs रजिस्टर करा लिए, वो IP उनके पास है मगर उन्होंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, इसलिए अभी है बचा हुआ, क्योंकि इस IP एड्रेस को जिसने बनाया, आई ना, इसका नाम चेंज हो चुका, इसका नाम अब चेंज हो गया ICANN, अब इसका नाम ये, जब इसने लोगों को IP एड्रेस बांटे ना
तो IPv4 खत्म कर दी इसने, बेच दिया IPv4 सबको। सबको बेचने के बाद इसके पास कुछ बचा नहीं, पर लोगों ने जिन्होंने परचेज की आईपी एड्रेस वो आज भी बचे हुए। तो जब कभी तुम एयरटेल का इंटरनेट लगाते हो तो IPv4 ही तो देता है, IPv6 कहाँ देता है भाई, क्योंकि उसके पास रेंज आज भी बची हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है जिसे हम लोग बोलते हैं नेट, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हम एक पब्लिक आईपी के पीछे हजारों प्राइवेट आईपी एड्रेस चला सकते हैं, वो अभी कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा। मतलब सबके एक हज़ार पीसी के अलग अलग आईपीस, मगर उनको ले जाने वाला एक आईपी, ऐसा होता है, वो भी मैं बताऊंगा। इंटरनेशनल असाइन नंबर अथॉरिटी, उसका नाम चेंज हो के इंटरनेशनल काउंसिल असाइन नेम एंड नंबर। पहले वो नंबर प्रोवाइड करता था, आज की डेट में वो नेम एंड नंबर दोनों करता है, ठीक है ना। कई लोग इसे इंटरनेट भी बोलते हैं, इंटरनेट, ठीक है ना, एसोसिएशन नंबर अथॉरिटी। तो इसलिए नेट पे एक बार और चेक कर लेना इसके फुल फॉर्म क्या है। पर बेसिकली इसको बनाने का काम जिसने किया उसका नाम है आईना, या ICANN, आईना या ICANN। IPv6 बनाया है, दोनों बनाया है सर, IPv6 IPv4 दोनों इसी के थे। तो जितने भी ये तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइडर इसी से रजिस्टर होते हैं। पर हमारे इंडिया में जो इंटरनेट को संभाल रही है, इंटरनेट के जो एक्ट लगाती है, उसका नाम है NICSI, 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 वो NICSI यहाँ पे अंडरस्टैंड करती है। वो नेशनल हमारा कुछ है यहाँ का, जैसे एयरटेल है, ये सब कुछ है ना, तो महाराष्ट्र के अंदर वो कंपनी है तो यहाँ पे IP एड्रेसेस को टेक केयर करती है, जैसे आईना करती है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में वो NICSI। नेट पर सर्च मारोगे इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब आईपी एड्रेस आगे शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रही है, उसको कभी भी भूलना मत, क्योंकि जब जहाँ आपने उसको भूल गए ना आपको आईपी एड्रेस कभी समझ नहीं आएगा। क्या है एक आईपी एड्रेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है, आईपी एड्रेस ऑलवेज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अब आईपी वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, चाहे वो V6 हो चाहे वो V4, ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज नेटवर्क आईडी, सेकंड वन इज होस्ट आईडी। अब रूल क्या है, ये रूल दिमाग में फिक्स या फ्रीज कर लो, दिमाग में जमा लो, इसको कभी भूलना मत, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कहता है व्हेन यू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, जब कभी आप कोई नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हो, यू नीड टू असाइन नेटवर्क आईडी सेम ईच एंड एवरी डिवाइसेस। मतलब जब आप एक नेटवर्क बनाते हो हर डिवाइस के ऊपर नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम, मतलब वो नेटवर्क आईडी आपको देनी पड़ेगी, वो सबकी सेम होगी, और होस्ट आईडी मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी डिफरेंट, कभी किसी की सेम नहीं हो सकती, हर किसी की यूनिक होती है। जैसे CCNA 3 से 5 आप सब लोगों का सेम बैच है, ये आपकी नेटवर्क आईडी हो गई जिसमें आप सभी लोग आते हो, बट आप लोगों के नाम या आप लोगों के ISPL की जो आईडी है वो सबकी यूनिक है, वो सबकी यूनिक है क्योंकि वो रिप्रेजेंट आपको करती है। तो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट अ नेटवर्क, नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट अ नेटवर्क, एंड होस्ट आईडी रिप्रेजेंट अ सिस्टम, कंप्यूटर, होस्ट, सर्वर, व्हाटएवर। एक किसी की अपनी खुद की पहचान होस्ट आईडी, और वो किसका पार्ट है, किस नेटवर्क का पार्ट है, दैट इज अ नेटवर्क आईडी। इसलिए आईपी एड्रेस देते समय आपको हर पीसी की नेटवर्क आईडी सेम देनी है, अगर आप उनमें कम्युनिकेशन चाहते हो विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ नेटवर्क नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम एंड होस्ट आईडी मस्ट बी यूनिक। बट अगर आप कम्युनिकेशन
अलग अलग चाहते हो तो नेटवर्क आईडी चेंज कर दो, फिर नेटवर्क आईडी चेंज होगी अगर तुम्हें उनमें कम्युनिकेशन कराना है, फिर तुम्हें चाहिए होगा राउटर, क्योंकि राउटर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब कभी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं ना हम लोग, तो हर किसी सिस्टम की नेटवर्क आईडी सेम देती है और होस्ट आईडी यूनिक रखते हैं। अब ये एक रूल अपना माइंड में डाल लो, अब ये पता कैसे लगेगा कितनी नेटवर्क आईडी होती है कितनी होस्ट आईडी है वो आगे की बात है, पर अभी आप समझो कि जब कभी मैं नेटवर्क एस्टैब्लिश करूँगा तो हमेशा नेटवर्क आईडी सेम दूंगा ताकि उन दोनों पीसीओ का कम्युनिकेशन हो और होस्ट आईडी यूनिक या होस्ट आईडी डिफरेंट। बट एक कंडीशन और है होस्ट आईडी में, क्योंकि हम लोग बस कितने चार ऑक्टेट होते हैं, उसके अंदर आठ बिट होते हैं, तो होस्ट आईडी में कितने भी बिट्स हो वो कभी भी नेवर ऑफ, मतलब सारी के सारी बिट 0 0 0 नहीं हो सकती, और जितनी भी बिट्स हो वो कभी भी ऑन, मतलब कि सारी के सारी बिट 1 नहीं हो सकती। इन अ होस्ट आईडी पोर्शन ऑल द बिट्स ऑफ द होस्ट आईडी पोर्शन इज नेवर ऑफ, मतलब सारी की सारी 0 0 0 0 नहीं हो सकती। इन अ होस्ट आईडी पोर्शन ऑल द बिट्स ऑफ द होस्ट आईडी पोर्शन इज नेवर ऑन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है डिफॉल्ट नेटवर्क, ठीक है, और ये होता है किसके लिए, ब्रॉडकास्ट, ये होता है, वो होता है डिफॉल्ट नेटवर्क के लिए और ये होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। मैं डिफॉल्ट नेटवर्क को एक नाम से और जानता हूँ, वायर, मैं इसको वायर भी बोलता हूँ, वायर एड्रेस, कल बताया था, लास्ट टाइम बताया था ना, अच्छा अभी आपको नहीं बताया, वायर एड्रेस के एड्रेस, मतलब हमेशा ये ध्यान रखना जब भी कभी आप आईपी एड्रेस देते हो उसमें -2 जरूर करता है, मतलब पहला, सबसे पहला और आखिरी छोड़ना होता है, इसकी एक वजह होती है, तो मैंने आपको वजह बता दी कि होस्ट में सारे बिट ऑफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क को डिफॉल्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और एक आईडी होती है जो ब्रॉडकास्ट, वो किसी की नहीं होती, क्योंकि कोई ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो सबके पास भेजना है तो उसको फिर एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो यूनिक आईपी एड्रेस वो सारी ऑन ऑन वाला होता है, ठीक है जी। तो रूल समझ आ गया कि होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी में पार्ट डिवाइड होता है आपका आईपी एड्रेस, एंड नेटवर्क आईडी सभी पे सेम होती है, होस्ट आईडी सब पे डिफरेंट होती है। अब आईपी एड्रेस आईना ने बनाए तो उसने ना IPv4 की कुछ क्लासेस बनाई, देर आर सम क्लासेस इन IPv4, उसने IPv4 की कुछ क्लासेस बनाई, IPv4 क्लासेस उसने सबसे पहले बनाई क्लास ए, फिर उसने बनाई क्लास बी, फिर उसने बनाई क्लास सी, फिर उसने बनाई क्लास डी, फिर उसने बनाई क्लास ई, ये चार अलग अलग, ये पांच अलग अलग क्लासेस बनाए और उसके अंदर डाल दी कुछ रेंज, उसके अंदर डाल दी कुछ रेंज। हालांकि ये जीरो से शुरू होती है, पर जीरो इज नॉट काउंटेबल, इसलिए ये शुरू होती है 1 से लेकर 126, हालांकि 127 भी इसी में आता है, पर 127 लूप बैक के लिए होता है। लूप बैक क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको रेंज लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है रेंज 127 रिजर्व फॉर LOOP लूपबैक, BAC के बैक लूपबैक 127 रिजर्व फॉर लूपबैक का मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रबल शूटिंग ऑफ योर लैन कार्ड। भैया मेरे स्टूडेंट से एक बार पूछा गया
कि मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्ट है। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरा ये जो डिसकनेक्ट नेटवर्क है ये ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो कैसे बताओ, कैसे बता सकते, आईपी कैसे दोगे, उसके अंदर कुछ चल ही नहीं रहा है, डिसकनेक्टेड है, क्रॉस लिखा रहा है, क्या कर लो, कुछ नहीं होगा। आई पैड उसके अंदर ऑलरेडी दे रखा, चेंज कर लो, कुछ नहीं होगा, क्रॉस है, तार निकली हुई है सब कुछ। मेरे दोस्त ने कहा, मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, कह रहा श्योर, उसने सब कुछ ऑफ कर रखा था अपना। वो रन पे गया, रन पे जाके लिखा ping ping space 127.0.0.1 127.0.0.1 space -t लिख दिया, माइनस से मतलब चलता रहा, और रिप्लाई आ गया उसको। पिंग विंडोज पे भी काम करता है, पिंग विंडोज पे तो काम करता है, लिनक्स पे भी शायद करता है, लिनक्स भी करता है, हम लिनक्स पे चलाया हुआ है इसलिए। तो 127 इज रिजर्व फॉर द लूप बैक, मतलब ट्रबल शूटिंग ऑफ योर लैंड कार्ड इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, योर लोकल होस्ट इज कम्युनिकेट और नॉट, आपका लोकल कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को ट्रबल शूट करने के लिए 127 बनाया। इसलिए 127 आप कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, कहीं पर इन द सेंस आईपी एड्रेस हमेशा, मैंने आपको बताया ये IPv4 हमेशा चार ऑक्टेट का होता है, 1 2 3 4, तो चार ऑक्टेट में हमेशा पहला ऑक्टेट हर किसी की क्लास डिफाइन कर देता है, ये फर्स्ट ऑक्टेट हर किसी की क्लास डिफाइन कर देता है, तो इस पहले ऑक्टेट में आप 127 नहीं मिल सकते, पीछे कहीं पर भी लिखो व्हाटएवर, वहाँ टेंशन नहीं है, पहले वाले में 127 नहीं आ सकता, ना ही पहले वाले में जीरो आ सकता है, ना ही पहले वाले में जीरो आ सकता है, जीरो वापस कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है जी, आपको समझ आ गया, ये आई पी एड्रेस की क्लास थी, ये उसकी रेंज थी, 127 रिजर्व फॉर द लुक बैक का मतलब क्या था। अब बात आती है वही वाली कि आई पी एड्रेस में मैंने आपसे कहा कि नेटवर्क आई डी मस्ट बी सेम एंड होस्ट आई डी मस्ट बी चेंज डिफरेंट, तो अगर मैं इनमें से कोई आईपी एड्रेस दूंगा, जैसे आईपी एड्रेस देने का तरीका मैंने आपको दिखाया, ऐसे चार ऑक्टेट होते हैं उसमें देने होते हैं, मान लो इसे मैं कोई भी आईपी एड्रेस देता हूँ, कोई भी, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे कितना सेम रखना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, पता कैसे लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 200 250 255, ऐसे लिख दिए, लिख सकता हूँ, इट कैन बी पॉसिबल, देखिए हमेशा पहले ऑक्टेट का मतलब होता है, पहला ऑक्टेट ऑलवेज डिफाइन देयर क्लास, तो ये कौन सी क्लास में आता है, क्लास ए में आता है, तो अब मुझे पता क्या लगेगा कि मुझे कितना सेम रखना है और इनमें से कितना यूनिक, हाउ टू आइडेंटिफाई, बताया आप लोगों को या मैं बताऊँ, तीन सेम रखने हैं, चारों डिफरेंट रखेंगे तो फिर नेटवर्क आईडी सेम रखने का मतलब क्या हुआ, लास्ट का चेंज होगा ना, ऐसा नहीं होता हर बार लास्ट का चेंज होता है, ऐसा नहीं होता, गलत फहमी आप लोगों, ये तो आपको आईपी एड्रेस बस वही वाला मिलता है इसलिए आप लास्ट का चेंज देखते हो, एक नेटवर्क में रखना है ना, नहीं गलत बिल्कुल गलत, नहीं बिल्कुल गलत, तो ये कंडीशन मुझे वही बोल दें उसके, हाँ वो तीर मार, एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको, जब भी कभी आईपी एड्रेस आप देते हो उसके साथ एक चीज़ हमेशा आती है, आईपी एड्रेस कभी अकेला काम नहीं करता भाई साहब, और सबनेट मास्क इज ऑलवेज यूज्ड टू डिफाइन द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, सबनेट मास्क इज ऑलवेज डिफाइन द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, सबनेट मास्क, जब भी कभी हम आईपी एड्रेस देते हैं तो उसका सबनेट मास्क हमें ये बताता है कि नेटवर्क आईडी कितनी है और होस्ट आईडी कितनी है, तो सबनेट मास्क इज यूज्ड टू डिफाइन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, सबनेट मास्क इज यूज्ड टू डिफाइन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने का काम जिसका होता है उसे बोलते हैं सबनेट मास्क।
तो जैसे ही आप ए क्लास का आईपी दोगे, इसका सबनेट मास्क आ जाएगा 255.0.0.0. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 8-bit नेटवर्क आईडी है, मतलब आपको पहला अपडेट सेम रखना है, बाकी तीनों में कहीं पर भी यूनिकनेस ला सकते हो। तो ये है आपकी होस्ट आईडी। तो इसमें इसमें 8-bit नेटवर्क आईडी, मतलब 8-bit नेटवर्क आईडी और रेस्ट 24-bit होस्ट आईडी। तो इसमें कहा जाता है 16 मिलियन समथिंग कंप्यूटर लग सकते हैं इसके 2 की पावर 24। ये 32-bit का होता है ना, 8 तो ऑक्यूपाई हो गए, बच कितने गए, 24। तो ये 2 की पावर 24 कहते हैं 16 मिलियन समथिंग। कहा जाता है बी क्लास का सबनेट मास्क क्या आता है हमेशा 255.255.0. इसका मतलब आपको हर पीसी पे 16 बिट सेम रखनी है, क्योंकि ये आपकी नेटवर्क आईडी है, और 16-bit आपको चेंज रखनी है, क्योंकि ये आपकी। इसमें अगर कायदा देखा जाए तो इसके अंदर कहा जाता है अराउंड 64 या 65,000 पीसीज अटैच, इतने पीसी रखते 2 की पावर 16, ठीक है ना, इतने। और सी क्लास में 255.255.0, इसमें 24-bit, जिसकी वजह से आप हमेशा लास्ट को ही चेंज करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मिलता ही है आईपी है, तभी तो आप लास्ट की चेंज करते हो, इसलिए चेंज करते हो। और इसमें कंप्यूटर लगते हैं, इसमें कंप्यूटर लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 ये 256 होता, माइनस 2 करने पड़ते हैं। डी क्लास और ई क्लास हम कभी भी यूज नहीं करते। डी यूज होता है मल्टीकास्ट के लिए, मल्टीकास्ट आईपी के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग लिख सकते हैं। और ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर एक राउंड में 254 मैक्सिमम कंप्यूटर है सी क्लास में 254 मैक्सिमम कंप्यूटर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, 253 लगा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 253 लगा सकते हैं, क्यों? एक राउटर का भी तो खुद का आईपी होगा, तभी तो मन क्लास ए, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कम से कम पीसी की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हद तक होती है। अभी तो बताऊंगा, ये आईपी एड्रेस अगर मैं अगर लेने पे आऊँ, बेचने पे आऊँ, तो सिर्फ देखा जाए ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4.2 बिलियन एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। वो 4.2 बिलियन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे भाई। एशिया को मिला लो, यूरोप को मिला लो, बस एशिया बहुत बड़ा अपने आप में। तो आईपी एड्रेस अगर मैंने सबको दे दी है एशिया में और यूरोप में, तो कब के IPv4 कब का ख़त्म हो जाएगा? मगर IPv4 आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसके पीछे एक वजह है, मैं बताता हूँ। तो कब का ख़त्म हो जाना चाहिए ना IPv4, आज भी क्यों चल रहा है, उसके पीछे एक वजह है। आईपी एड्रेस प्राइवेट रखती है, वो बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट एड्रेस किसी भी कंपनी, भाई अगर आईना से तुम ये आईपी खरीदने जाओ, अब मेरे यहाँ पे कितने सारे पीसी लगे हुए हैं, आपने देखा यहाँ कितने सारे पीसीज हैं, यहाँ पे कितने सारे राउटर हैं, कितने सारे स्विचेस हैं। अब सब पे आईपी में अगर कन्फिगर करने बैठा तो आईना को मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपये पे करना पड़ेगा, 1 करोड़ भाई सर, इतने ज़्यादा डिवाइसेज हैं मेरे पास इस टाइम पे हैं। अब 1 करोड़ पैसे पे करना अपने आप में बहुत बड़ी सरदर्दी है। तो आईना ने क्या कहा,
ये क्लासेस समझ आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत? क्लास ए बी सी में कौन सा पैरामीटर? वही तो बताऊँ, मतलब वो आएगा। अच्छा तो अब ये ध्यान रखना, क्या क्या आईपी एड्रेस देते समय पहला ऑक्टेट उसकी क्लास डिफाइन करता है। तो यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? क्लास ए तो आ गया बेटा, नीचे सबनेम मास्क क्या है? तो अब आपको दूसरे कंप्यूटर पे क्या आईपी एड्रेस लिखना है? दूसरे कंप्यूटर, इसको इसको दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कराना है तो क्या लिखूं? 255। अरे वो तो अपने आप आता है, वो हम लिखते नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने बोला ना सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि हम चेंज कर सकते हैं, बट सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब वो जैसे आप आई पी एड्रेस दे के टैब मारोगे अपने आप आ जाएगा, जैसे आई पी एड्रेस दे के आप टैब मारोगे अपने आप आ जाएगा। तो आई पी एड्रेस क्या लिखूँ? आई पी एड्रेस पूछ रहा हूँ, सबनेट मास्क नहीं पूछ रहा। क्या लिखूँ? मुझे इसको कम्युनिकेट कराना दूसरे से, ये PC1 है या PC2 है? क्या लिखूँ यहाँ पे? हाँ 10.200.251.255। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? सबनेट मास्क 255.0.0.0। तो ये यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक कर दिया क्योंकि आपने 251 कर दिया। ये सेम होना चाहिए, आपने सेम कर दिया, बस ये भूलना नहीं है। 200 बन रही है तो हाँ 200 बना सकता है लोग, क्या दिक्कत भाई? तीनों ऑक्टेट में से कहीं भी यूनिक हो एक क्लास में। अब दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो, गार्ड मान लो, क्योंकि मैं इसके बाद अब करा रहा हूँ एक क्विज, उस क्विज का आंसर सब लोग देना एक एक करके, मैं जिससे पूछूंगा। एक क्लास में पहला ऑक्टेट नेटवर्क आई डी, तीन होस्ट आई डी, तीन ऑक्टेट, तीन मत बोलना, तीन ऑक्टेट या तीन बाइट ऐसे बोलना, या 24 बिट क्योंकि 8 बिट का एक बाइट होता है, ये 4 बाइट है। बी क्लास में 16 बिट नेटवर्क आईडी, 16 बिट होस्ट आईडी। सी क्लास में 24 बिट नेटवर्क आईडी और 8 बिट होस्ट आईडी। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम एंड होस्ट आईडी मस्ट बी यूनिक, ये भूलना नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो फिर बात करेंगे आगे इसके बारे में, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? दिस इज माई PC1, ये मेरा PC1 है, इसका आईपी एड्रेस है 172.100.101.10। इसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। अब मुझे इसे पीसी टू के साथ कम्युनिकेट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ये 255 अपने आप आता है, गलती से भी इसको मत बोलना, ये अपने आप आता है। Always check the subnet mask. Look this and check the ID. Look subnet mask, check the ID. Look the subnet mask. Now, इसके नीचे ये अपने आप आएगा। Always look the subnet mask. Subnet mask को देखना है और उसके बिहाफ पर ऊपर की वैल्यू को सेम या डिफरेंट करना है। जैसे दो बार नीचे 255 आया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? और यहाँ पे अब यूनिक करना है, चाहे यूनिक यहाँ कर लो, चाहे यूनिक यहाँ कर लो, मगर ये यूनिक होना चाहिए, ये भूलना नहीं है। अरे भाई ले रहा और माइनस कर दूं? ये ऊपर वाला हो गया आईपी एड्रेस और नीचे वाला डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो आप हमेशा आईपी देते हो, सबनेट मास्क नहीं देते हो, वो सबनेटिंग जब कॉन्सेप्ट आएगा तब
अभी सबनेटिंग नहीं करा रहा हूँ, अभी बेसिक समझो कि आईपी एड्रेस जब भी दिया जाता है उसका सबनेट मास्क अपने आ जाता है, अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पहला ऑक्टेट उसकी क्लास डिफाइन कर देता है। सर एक क्वेश्चन है, आप वहाँ पे सिर्फ सिंगल वन लेंगे इसका मतलब उसके पीछे जीरो भी है? ऐसा नहीं, एक का मतलब एक है, या IPv6 नहीं है, या IPv4 है। V4 चल रहा है, V6 नहीं चल रहा, V6 में ऐसा नहीं होता, V4 में एक डिजिट भी चेंज करने से हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे कहीं पर ही बोल रहा है मैंने 16 बिट चेंज होनी चाहिए, 16 बिट में चाहे एक बिट कर दो चाहे 16 की 16 कर दो, डिपेंड्स ऑन यू। चलो जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा, कोई और नहीं बोलेगा। ठीक है जी, ये दो आईपी एड्रेस हैं, ये दो आईपी एड्रेस हैं। अब मैं एक एक कर से एक एक करके आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये आपस में कम्युनिकेट होंगे या नहीं, नहीं होंगे, नहीं होंगे क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या ये आपस में कम्युनिकेट होंगे या नहीं? टाइम के लगते नहीं होंगे, नहीं होंगे। राहुल नहीं होंगे, आवे आदित्य होगा, सुंदर सर चेक कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हुआ मुझे साहब, बताओ यस और नो, यस और नो, आप आंसर चेंज कर रहे हैं? यस सर होगा, होगा। हाँ जी, नहीं वो मत बोलो, यस और नो होगा। कितने लोग कह रहे हैं आप? कितने लोग कह रहे हैं होगा? हाथ खड़ा करना सर, होगा राउटर लगा के होगा। राउटर नहीं बात हो रही है ना अभी, तो अभी राउटर मैंने लगाया है कहाँ है, अभी तो सिंपल बात कर रहा हूँ, मैंने बोला राउटर लगा हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ दो आईपी एड्रेस से आपस में कम्युनिकेट होगा या नहीं। जितने कह रहे हैं होगा हाथ खड़े करो, एक एक दो तीन चार पाँच, आप लोग पाँच बनाए, मेजोरिटी बराबर बराबर, आप पूछ पाँच कह रहे हो नहीं होगा, नहीं होगा। सुंदर क्यों होगा? नेटवर्क चेंज हो रहा है ना, नेटवर्क चेंज हो रहा है शायद, नहीं नेटवर्क चेंज हो रहा है तो करेगा कम्युनिकेट? नहीं, फिर करेगा कैसे? नहीं वो कन्फ्यूजन नहीं है, जब आईपी एड्रेस से पढ़ाया जा रहा था आपने वहाँ क्यों नहीं पूछा कि सर नेटवर्क आईडी कितना होता है, होस्ट आईडी कितना होता है? आपको बार बार समझाया जा रहा है, सबनेट मास्क को सिर्फ देखना है, चेक ऊपर वाली वैल्यू करनी है, तो ये तीन जगह क्या बोल रहा है, एक दो तीन, इसका मतलब ऊपर की तीन वैल्यू सेम होनी चाहिए दूसरे वाले के साथ, सेम है नहीं, या 10 है या 11 है, पहली कंडीशन फॉल्स तो साला पूरा फॉल्स, हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आईपी एड्रेस कम्युनिकेट नहीं होंगे। और राउटर की बात पाजी दूसरी है, अभी राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, अभी राउटिंग पढ़ाया है मैंने, नहीं पढ़ाया ना राउटिंग, अभी तो सिर्फ आईपी एड्रेस की बात है। कंफ्यूजन वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको, रूल को फॉलो करना है, जो मैंने बोला था रूल। कितने बोल रहे हैं यस, हाथ खड़ा करो, ये कम्युनिकेट होंगे, एक दो तीन कम्युनिकेट होंगे,
सर क्योंकि इस बार सबने मास नहीं देखना जी, इसको देखोगे तो गए काम से, आप ढेर हो। इसको सिर्फ देख के इसको चेक तो करो, ऑलवेज लुक सबनेट मास, चेक द आईपी, चेक द आईपी, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है। आप सिर्फ दो चीज मत देखो, आप गलत चीज पे ध्यान दे रहे हैं। आईपी देखो, चेक करो, और उसके बाद मैं एक एक से पूछूंगा, हाथ खड़ा करना, ठीक है जी? क्या ये आपस में कम्युनिकेट होंगे या नहीं होंगे, एक एक करके बोलना। हाँ जी सर, मतलब नहीं, यस और नो, नो 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 हो जाएंगे। राहुल नहीं होगा, आदित्य होगा क्या? नो या नो कमेंट, नहीं नो या नो कमेंट, ये बता पहले मुझे। नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा। गौरव जी यस और नो हो जाए इन केस में, यस और नो। सर एक क्वेश्चन है कि मतलब दोनों सेम नेटवर्क में है या फिर दोनों सेम ही नेट, वो अभी तक सेम ही चल रहा है भाई। सर पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है दो आईपी कैसे, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, खत्म कहानी, ये बोलो ना। पॉसिबिलिटी तो मैं करके दिखा दूंगा तुम्हारे को। मैंने क्या पूछा कि होगा नहीं होगा, इसे बोलते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट। नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम, सेम है, ये बात तो ट्रू हो गई, पर होस्ट आईडी मस्ट बी यूनिक, नहीं है सर ये ट्रू है, ये सही है, मगर ये फॉल्स है, क्योंकि होस्ट है, क्योंकि तुम सिर्फ इसको देख रहे हो बस। और एक बहुत गंदी आदत होती है बच्चों की, हमेशा इसी को देख के इसको देख रहे होते हैं, क्योंकि मैं तीन चार क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे देता हूँ पर लास्ट में फिर घुमा देता हूँ। बोलो बोलो। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हम व्हाट्सएप करते हैं अगर अपने नंबर पर, या मैसेज टेक्स्ट करते हैं अपने नंबर पर, अल्फा वापस हमें, तो इस एन एग्जांपल इस कंडीशन में जैसे आप आईपी एड्रेस दोगे तो जिसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी है वो क्लेम कर देगा कि मेरा आईपी एड्रेस ऑलरेडी है, तो आपका और आईपी मेरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, प्लीज चेंज कर। इसे कहते हैं आईपी कन्फ्लिक्ट। तो उसका आईपी ही, जैसे आईपी दोगे आईपी लेगा ही नहीं। मैं इसमें क्या एग्जांपल नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ, वो अलग है, वो है, वो अलग कौन सा है? वो 127 है, 127 मतलब अपने आप को भेजना है, उसके लिए 127 बना हुआ है, लोकल लूप है। इस एड्रेस को आप नहीं दे सकते, जैसे दोगे ऑलरेडी जिसका किसी का होगा वो आपके पास एक एरर भेज देगा कि देर आर सेम आईपी और नेम, नेम भी होता है, दो नाम के एक जैसे कंप्यूटर नहीं हो सकते, दो नाम और दो आईपी एड्रेस कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते, वो हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट? क्या ये दोनों आईपी आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं? करेंगे। सारे कह रहे करेंगे, पक्का? वो मना कर रहे हैं गौरव जी, गौरव जी मना कर रहे हैं, आप लोग क्या बोलते करेंगे? करेंगे 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 करेंगे। राहुल हाँ जी
करेगा सर। करेगा क्यों? क्योंकि सर ये फास्ट वाला सबरेट फास्ट देखने से रूल के हिसाब से तो ये लगता है सर करेगा। इसकी होस्ट आईडी यूनिक है, होस्ट आईडी यूनिक है, नेटवर्क आईडी सेम है। और देखो ध्यान से, 10 वाला जो आईपी एड्रेस आता है वो कौन सी क्लास में आता है? क्लास ए। वन नहीं होता, क्लास ए। क्लास ए में पहला ऑक्टेट सेम होना चाहिए, है या नहीं? चलो अगर आपकी, मैं थोड़ी प्रॉब्लम और आसान कर देता हूँ, आप करेंगे? नहीं। क्यों? आपके हिसाब से 10 तो सेम ही है। सर मैं ये थोड़ी देख रहा हूँ, मैं यूनिक आईडी देख रहा हूँ। सर ऐसा कभी होता है कि जब कभी आप 10 दोगे, कभी आप 10 देते हो, ठीक है ना, जैसे दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जब कभी आप आईपी एड्रेस 10 देते हो तो उसका सबनेट मास्क अपने आप 255 आता है। बड़े तार लगी हुई ना, देखिए लगा, ये वाली वो वाली नहीं लगा, वो लगी हुई है ना, क्या वाली लगी हुई है। तब पूछा जा रहा है आपसे, नई तार नहीं लगी हुई, सफ़ेद वाली तार लगाओ ढंग से। ही हाँ, डिस्कनेक्ट आ रहा है, नहीं कहीं भी चल रहा था, तार निकाल के दोबारा लगा, ये वाला आगे छोड़ दे, वो तो अंदर डाल दे, उसके अंदर छोड़ दे। इंटरनेट का आ रहा है, नहीं निकाला, बंद पड़ा है तो वो स्विच, नहीं मेरे को बोला नेट एक्सेस नहीं होगा, इसमें कनेक्ट भी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई, बट रैम तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ, फिर भी आई विल ट्राई, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं होता ना तब तक हम आईपी दे नहीं सकते। मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ, क्या बताए कि एड्रेस वायरलेस कार्ड की सर, वायरलेस कार्ड उसको नेट चाहिए ना, नेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी चाहिए यार, कनेक्टिविटी वो कह रहे हैं वहाँ से दिक्कत है, लाइन वायर है ना। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई, ठीक है जी। ये आपका आईपी एड्रेस होता है, तो जैसे ही आईपी एड्रेस आप देते हो ना, जैसे आप यहाँ पे 10 लिखते हो, 10 मारोगे अपने आप देखो 255 आ गया, देखा आपने, 10 देते साथ ही जैसे आपने 10 मारा ये 255 अपने आप आ गया, ठीक है जी। अब जैसे मैंने यहाँ पे 172 लिखा, अपने आप 255, मतलब पहला ऑक्टेट उसकी क्लास डिफाइन कर देता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। और वैसे ही मैंने अगर यहाँ पे 200 लिखा, आगे कुछ नहीं लिख रहा मैं, तो देखो अपने आप क्लास डिफाइन,
देख रहे हो आप अपने आप में 127 हम ले नहीं सकते, 127 हम ले नहीं सकते, 127 जैसे लिखता हूँ एरर, कहते हैं 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस, और ना ही मैं यहाँ पे 225 या 224 लिख सकता हूँ, ठीक है जी, 225 तो 224 भी नहीं लेता, सिर्फ एक से लेकर 223 तक आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात मैंने आपसे कहा थी कि होस्ट आईडी में सारी बिट जीरो नहीं हो सकती, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ 200.1.1.0 लिख रहा हूँ तो यहाँ देखो क्या है 0.1. ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये तो नेटवर्क आईडी हो गई, ये होस्ट आईडी में देखो जीरो लिखा है मैंने, जीरो मैं जैसे ही ओके करूँगा देखो एरर दे दिया, कहता होस्ट आईडी में सारी सेट जीरो है, ये भी नहीं हो सकता, और होस्ट आईडी में सारी 255, मतलब 255 का मतलब होता है 1111, बताऊँगा आपको ये 11 कैसे होता है, जैसे मैं ओके करूँगा ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, क्योंकि 255 मतलब सारी वन होता है। वो तो आईपी अलग है सर, वो तो 224 था ना, वो तो उसकी बात है ही नहीं, 223 में 200 तो लिखा हुआ ना, गलत ही लिखा, पर होस्ट आईडी में कभी भी सारी बिट ऑफ नहीं होती, कभी भी सारी बिट ऑन नहीं होती, और अभी जब सब सारा नेटवर्क हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा आ गया क्या, कनेक्टिविटी आ गई है, वैसे कनेक्टिविटी आ गई है, वो तो कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी का तो कोई ऑप्शन कोई वो नहीं है, बट जैसे कि मान लो तार निकाले, एक बार तार निकाल दी, हाँ तार निकाल दिया, देखो डिस्कनेक्ट हो गया ये, अब डिस्कनेक्ट में भी रिप्लाई आता है, मैंने एक बार अपने दोस्त से शर्त लगाई थी पेप्सी की, ठीक है ना, मैंने पेप्सी की शर्त लग गई, अरे लग गई ये 2 लीटर वाली पेप्सी, ठीक है और मत सोचना कुछ, तो कह रहा मैंने कहा अनप्लग में रिप्लाई ला के दिखाता हूँ, कह रहा ला के दिखा, आवड़े पूछा क्या आता ही नहीं है, मैंने कहा तेरे को चांस तो दे मुझे, मैंने कहा तुझे अनप्लग में रिप्लाई ला के दिखाऊँगा, चांस दे मुझे, मैं कह रहा 3 चांस दिए तेरे को, मैं कहा ठीक है तू कनेक्ट वनेक्ट कर दे, ये कर दे, तार निकाल दे, बस वो राउटर चलता रहने दिया, मॉडम जो होते हैं ना चलता रहने दिया, जानबूझ के बोला मैंने, उस मॉडम का आईपी था 192.168.1.1, मेरे खुद का आईपी था 192.168.1.2, तो मैंने उसके सामने दिखाने के लिए करा पिंग 192.168.1.1, मैंने ट्राई मारा, रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने दूसरा खोला, मैंने इसकी जगह लिख दिया 1.2, एंटर मारा, रिप्लाई नहीं आया, ठीक है रिप्लाई नहीं आया, ऐसे ही आ रहा है, फिर मैंने लिखा, ठीक है ना, PING ping, ping 127, ठीक है 127.0.0.1, आप देख सकते हो, तो पहले तो खुद को पिंग कर रहा था, पर 127 इज रिजर्व फॉर द लूप पैकेट, इसमें ये होता है कि आपने जिसको पिंग किया ना उससे आपके पास रिप्लाई आ रहा है इतने बाइट का, 32 बाइट का, इतने मिली सेकेंड में आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, और ये है उसकी टाइम टू लिव जो आपने रिक्वेस्ट की है, उसकी लिमिट मतलब लिव जीवित रहने की एक ड्यूरेशन, वन टाइम टू लिव, कितनी देर तक आपका पैकेट जो है वो लिव रह सकता है, 128 टाइम तक लिव रह सकता है जीवित, 128 टाइम तक, इन द सेंस मतलब अगर आपका इन्फॉर्मेशन 128 पर है ना तब तक वो जीवित रह सकता है, तो ये मैंने टर्मिनेट करना नहीं है ना, टर्मिनेट कर देता हूँ, ये कंट्रोल सी में माइनस टी का मतलब होता है नेवर टर्मिनेट, वरना अगर आप नॉर्मल पिंग करते हो ना तो नॉर्मल पिंग में अगर आप टी हटा दो तो आपकी 3 टाइम आपको शो करेगा और 4th टाइम में गायब हो जाएगा, ये माइनस टी का मतलब वो कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है ना, तार लगा दे बेशक, तो समझ आया आपको पॉइंट। एक और क्वेश्चन था सर, बहुत पिंग आई पी की जगह बहुत लोग फेसबुक, वो कैसे काम करता है? ऐसे ही काम करता है जैसे करता है, इंटरनेट चाहिए होता है बस, ये बात है, बिना इंटरनेट के नहीं होगा, उसमें DNS सर्वर होता है ना, वो DNS सर्वर उसको रिजोल्व करता है, DNS सर्वर क्या होता है, IP और नेम को, और नेम को IP में रिजोल्व करने का काम, IP टू नेम, नेम टू IP रिजोल्व करने का काम करता है आपका DNS सर्वर। हाँ जी, तो समझ आया, ये पिंग कर जाएगा, आपको वो बात नहीं भूलनी, अच्छी बात है आप लोग वो नहीं भूलेंगे,
आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, पर ये आईपी एड्रेस सही नहीं है, ये आईपी एड्रेस दोनों के दोनों सही नहीं है। इस आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं, क्लासलेस। ये आईपी एड्रेस क्लास फुल नहीं है, ये क्लासलेस है, क्योंकि अगर ये आईपी एड्रेस क्लास फुल होता, अगर ये आईपी एड्रेस क्लास फुल होता तो आईपी एड्रेस अगर आप 10 लिखते ना तो इसके जो 255.0.0.0 आता, यहाँ पे ऐसा नहीं आया। तो ऐसे दो आईपी एड्रेस आपको देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। एक हो सकता है क्लास फुल, जो आईपी एड्रेस देख रहे दे रहे हो उसका वही सबनेट मास्क आ रहा है तो उसे कहते हैं क्लास फुल। एक आईपी एड्रेस आप दे रहे हो और उसकी जगह किसी ने सबनेट मास्क को भी छेड़ दिया, क्योंकि मैं छेड़ सकता हूँ, आपको दिखाया ना मैं चेंज कर सकता हूँ, तो किसी ने छेड़ दिया तो वो फिर किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता, वो क्लास लेस हो जाता है। ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो ये चीज़ का ध्यान। उसके बाद कम्युनिकेशन हो सकता है। हाँ जी कम्युनिकेशन हो, क्योंकि आपको रूल फॉलो वही करना है। नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम, देखो सेम, होस्ट आईडी मस्ट बी यूनिक। आपको रूल नहीं भूलना, रूल नहीं भूलना, चाहे क्लास लेस हो चाहे क्लास फुल हो। क्लास लेस का मतलब आईपी एड्रेस किसी और क्लास का, सबनेट मास्क उस क्लास से बिलोंग नहीं करता, किसी और क्लास का। बेसिकली द आईपी एड्रेस कम विद द सबनेट मास्क इन अ डिफरेंट क्लासेस, दैट इज क्लास लेस। बट आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क बोथ सेम टू द क्लास, बोथ दोनों के दोनों सेम क्लास से डिपेंड बिलोंग करते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, कुछ पूछना हो क्लास फुल क्लास लेस आईपी एड्रेस समझ आ गया। अब आईना ने आईपी एड्रेस बेचने का काम किया, अगर वो आईपी एड्रेस बेचेगा तो मैंने आपसे बोला था ना बहुत ही कम लोगों को आईपी मिल पाता, बहुत ही कम लोगों को आईपी मिल पाता, इसलिए आईना ने एक कुछ क्लासेस बनाई। प्राइवेट आईपी, आईना ने कुछ प्राइवेट आईपी बना दी। उसने कहा क्लास ए में मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आपको लो इसको एक सिंगल फैनी, सिंगल मतलब एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। वो रेंज है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255. ये रेंज है मगर ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे होस्ट पे देखो सारी बिट ऑफ है, यहाँ पे होस्ट पे सारी बिट क्या है ऑन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली हम जो वैल्यू लिखते हैं ना वो लिखते हैं 128 देन 64 देन 32 देन 16 देन 8 देन 4 देन 2 देन 1। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको अगर आप काउंट करोगे ना तो 128 प्लस 64 192 192 प्लस 32 224 224 प्लस 16 240 240 प्लस 8 248 248 प्लस 4 252 252 प्लस 2 254 254 प्लस 1 तो यहाँ पे भी 255। ये सारी आपने वन कर तो इसकी वैल्यू डेसिमल में ये होती है, तो इसको हम इसलिए छेड़ते नहीं है। और इसमें यहाँ पे सारी बिट ऑक्यूपाइड है, जीरो का मतलब तो जीरो ही है, 255 का मतलब सारी बिट 1111 होने, ये सही नहीं है। पर आप इनकी बीच की रेंज यूज कर सकते हैं, रेंज यही होगी। अगर आपसे कोई रेंज पूछेगा तो रेंज यही है। फिर आपका आता है क्लास 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 बी में क्या आता है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 ठीक है जी। और क्लास सी में जो एड्रेस बोला गया वो है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255।
ये तीन क्लास की रेंज ऐसी निकाली गई जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते, बट टीएनसी जो हमेशा फ्री की चीज के साथ लगा हुआ, मुफ्त की चीज कभी भी ऐसे नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें, फ्री की चीज कभी भी ऐसे नहीं मिलती, उसके पीछे टीएनसी जरूर होता है। टर्म्स एंड कंडीशन, टीएनसी का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन, कहते हैं ना कंडीशन अप्लाई, वो वाला टीएनसी। बताता हूँ वो टीएनसी क्या होता है। कहता है अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला आईपी एड्रेस, इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस यूज करा, तो इन आईपी एड्रेस को इंटरनेट पे जाने की परमिशन नहीं है। इफ यू आर यूजिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस यू नेवर एक्सेस द इंटरनेट। और आप बोलोगे सर क्या बात करते हो सर, मेरे घर पे तो 192 की सीरीज का आईपी चल रहा है, तुम्हारे घर पे होगा 192.168 और समथिंग, और इंटरनेट चल भी रहा होगा धड़ल्ले से। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या होता है वो समझा। आपके घर पे जो पीसी लगा होता है उस पे जो आपको आईपी मिलता है वो आईपी क्या होता है, 192.168.1.2 होता है या 3 होता है या 4 होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सबनेट मास्क आपका क्या होता है, 255.255.255.0, ऐसा कुछ होता है। और आपको एक चीज़ दी जाती है जिसे कहते हैं गेटवे, नोटिस किया होगा आपने, गेटवे। गेटवे क्या होता है, 192.168.1.1। ये किसका होता है पता है, ये ज़्यादातर आपके घर में एक डिवाइस लगा होता है जिसे आप लोग बोलते हो राउटर या मॉडम। सब क्या बोलते हो, राउटर या मॉडम, ठीक है ना। अब एक्चुअल में देखो ये एड्रेस कौन सा है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये प्राइवेट है, 192 की सीरीज है, ये प्राइवेट आईपी है। एक्चुअल में आप फेसबुक की रिक्वेस्ट करते हो इससे, भाई मुझे फेसबुक चलाना है, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ जाती है गेटवे पे। अब गेटवे देखा जाए तो ये तो प्राइवेट एड्रेस है भाई, ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट एड्रेस को जाने की परमिशन नहीं है जी। ऑलरेडी तो मार्केट में नहीं है ना, चल नहीं रहे सारे को सारे बंद, ठीक है जी। तो प्राइवेट एड्रेस को ठीक है ना, जाने की परमिशन नहीं है, राउटर इसे अपने एंड पे ही ब्लॉक कर देगा, पर एक्चुअल में आपका इंटरनेट चलता है। यहाँ पे क्या कनेक्ट होता है आपका, इंटरनेट, तो आपका इंटरनेट चलता है। क्यों, क्योंकि इस राउटर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है जिसका नाम होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेटिंग, तो वो आपके प्राइवेट को चेंज कर देता है आपके पब्लिक। इसकी वजह से आज भी इंटरनेट चल रहा है, उसकी वजह ही यही है, समझ रहे हो। इंटरनेट क्यों चल पा रहा है आज भी, उसकी वजह ही यही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट के पीछे एक पब्लिक होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ना, इन कंप्यूटर के प्राइवेट अलग अलग हैं, मगर इनका सबका पब्लिक एक ही है, वो इंटरनेट का कनेक्शन। तभी आपने घर पे जाके अगर कभी चेक करके देखना, ठीक है ना, यहाँ पे आईपी, यहाँ पे इंटरनेट तो चल नहीं रहा होगा, आज बंद पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको दिखाता कि जैसे मैं इंटरनेट एक्सेस करूँगा तो मेरा इंटरनेट चल जाएगा। बल्कि हालांकि मैंने आईपी एड्रेस अपना दे रखा है डिफरेंट, 192.168 वाला, चल नहीं रहा इंटरनेट आज, नहीं चलेगा सर, अगर इंटरनेट आता तो ये वाला आइकन हट जाता, कई बार हट जाता है, ठीक है ना, मगर चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है। बट होता क्या है, होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। आपका इंटरनेट फिर भी चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि आपने घर पे जाना, घर पे जाके ना इंटरनेट को चालू करना, और वहाँ पे एक साइट लिखना, what is my ip.com, वो आपको आपका पब्लिक आईपी दिखा देगा।
आपके पीसी पे तो यही आईपी होगा 192 की सीरीज का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी कंपनी को इतने सारे आईपी खरीदने की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ नेट की वजह से सारे इंटरनेट पे कनेक्टिविटी चले जाती है। जो आईपी दिखाता है वो आईएसपी हम मेरे राउटर को देता है, मेरे राउटर को देता है, उसकी वजह से इंटरनेट चलता है, वो पब्लिक आईपी होता है, उसकी वजह से इंटरनेट चलता है। तभी तो प्राइवेट आईपी IPv4 आज भी चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से IPv4 चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब पे प्राइवेट अलग अलग है। अच्छा, मेरे घर पे भी 192 की सीरीज का आईपी है, आपके घर पे भी 192 की सीरीज का आईपी है, क्या हम दोनों आपस में कभी कन्फ्लिक्ट हुए? बल्कि मैंने आपसे कहा था कि सेम आईपी होंगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में हमारा नेटवर्क अलग अलग होता है। चलो हमारा नेटवर्क भी एक ही बंदे का एयरटेल का है, पर हमारा साइमेंटेसली पब्लिक आईपी अलग अलग होता है। जो आईपी आज मेरा पब्लिक है ना, वो आपका नहीं होगा, आपका कोई और होगा। चाहे हमारे दोनों के प्राइवेट सेम होते हैं, चाहे हमारे प्राइवेट सेम होते हैं, एक नेटवर्क के अंदर प्राइवेट अलग अलग होते हैं। विद इन अ नेटवर्क प्राइवेट एड्रेस यूनिक ईच एंड एवरी कंप्यूटर एंड पब्लिक इज सेम, एक ही पब्लिक होता है सबका। वो अलग है, एक से ज़्यादा भी होता है, वो नेटिंग के अलग फीचर है, जब आपको नेटिंग कराई जाएगी तब समझाया जाएगा। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पब्लिक आईपी, वो अलग चीज़ है। पर बता रहा हूँ, विद इन अ नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पीसी का अपना खुद का यूनिक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, मगर उनका पब्लिक एक होता है, क्योंकि वो एक इंटरनेट से जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ विद इन अ नेटवर्क मतलब दो नेटवर्क्स के बीच में प्राइवेट सेम हो सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब दो नेटवर्क्स अलग अलग हैं, उनके प्राइवेट सेम हो सकते हैं, मगर उनके पीछे जो पब्लिक होगा वो यूनिक होगा। इसलिए हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस से हैकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैं किसी आईपी एड्रेस को लिखता हूँ 192.168.1.something तो लोकल में ढूंढना कोशिश करता है, क्योंकि इंटरनेट के पार तो जा ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग कभी भी हैकिंग करते हैं तो पहले उसके नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, उस नेटवर्क का पार्ट बन के तो उस प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट बन गए, तो इसको हैक करना ज़्यादा आसान है। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, इंटरनेट से गया फिर राउटर पे घुसे फिर राउटर? वही तो होता है, पहले हम राउटर से कनेक्ट होते हैं, राउटर से कनेक्ट हो गए तो मतलब उसके प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। अब प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो सब पीसी मेरे भाई बन गए, मतलब घर का बेदी लंका ढाए उसका नाम विभीषण कह लो। अगर एक्चुअल में विभीषण राम की हेल्प नहीं करता तो रावण मरता? बिल्कुल नहीं मरता रावण। तो यही काम है, पहले मुझे उस घर का लंका का पार्ट बनना पड़ता है, पार्ट बनने के बाद उसका दहन होता है। ये अभी आपका आईपी एड्रेस, हर कंपनी का जैसे एयरटेल है सर प्रोवाइडर, उसका एक ही पब्लिक है सर, आपके लिए एक होगा और उसके पास तो पूल है, उसके पास तो बहुत सारी रेंज है जो अलग अलग दे रहा है, वही तो आईना ने बेची है। आप एक बार नेट पे सर्च मारना ना पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ एयरटेल, देखना कितने सारे दिखाएगा, मुंबई में अलग है, दिल्ली में अलग है, और जगह अलग है, सब जगह अलग अलग। आप रेस ना गूगल करके तो देखना, बहुत सारे, और दिल्ली में भी बहुत सारे होंगे, दिल्ली में बहुत सारे, पर वो क्या होते हैं सफल होते रहते हैं, डायनेमिक इन द सेंस होता है कि चेंज होते रहते हैं। आईपी एड्रेस भी आप दो तरीके से दे सकते हो, एक होता है डायनेमिक आईपी होता है जब कभी आईपी एड्रेस आप खुद नहीं देते मैनुअली, आपको कहीं से मिलता है, उस सर्वर का नाम होता है DHCP, उस सर्वर का नाम होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस क्लाइंट ऑटोमेटिकली, मतलब आपको ऑटोमेटिकली आईपी मिलता है, तो उसे कहते हैं DHCP के थ्रू आईपी मिलना, उसे कहते हैं डायनेमिक आईपी। पर जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया ना प्रैक्टिकली, इसे कहते हैं मैनुअली आईपी देना। अब आईपी भी दो, डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो मेरा आईपी हमेशा फिक्स रहेगा, मेरा चेंज नहीं होगा, और DHCP से जो आईपी मिलता है ना वो लीज पे मिलता है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कोई डाउट? IPv4 समझ आ गया? क्वेश्चन है कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा है और ISP मेरा आईपी अचानक से चेंज कर दिया, फिर डाउनलोडिंग रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको ये तो पता है ना पहले आईपी आपका क्या था, बाद में क्या हो गया, और उसको मर्ज कर देगा, वहां से जो पैकेट्स आया वो मेरे पुराने आईपी पे होगा, वो ड्रॉप नहीं होता, नहीं ड्रॉप होता, चेंज हो जाता है उसका। इतने ISP इतनी अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, और स्टैटिक अगर रखते हैं तो जैसे अभी आपने वो दिखाया था वहां पर हम अपना वो स्टैटिक कर देंगे, वो सही हमारा प्राइवेट, अगर वो आपको मिलता है वो आपको फिर परचेज करना पड़ेगा। प्राइवेट अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो प्राइवेट चेंज करो, वो अलग चीज़ है। प्राइवेट में आप सब जगह जाके DHCP नहीं है आपके पास, हर सिस्टम पे जाके आईपी देना पड़ेगा, वो हो सकता है। कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो DHCP आईपी दे रहा है ना
मेरे को बार बार ये आई पी मिले, बार बार ये मिले, तो मैंने जो डी एस ए पी से मुझे आई पी मिला ना, मैंने उसको मेन्यू डाल दिया, तब भी हम काम कर सकते हैं, तब दिक्कत नहीं है। बस वो आई पी आपका ही होगा, अब किसी और को वो आई पी अलॉट नहीं होगा, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती ले लिया। बट अगर किसी और ने वो आई पी ले लिया, क्योंकि डी एस ए पी का काम तो देना है, आप उस टाइम पे ऑन नहीं थे, आपने जैसे अपना का सिस्टम ऑन किया, वो आई पी अगर किसी और ने ले रखा है, तो आपका आई पी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो ना उसका चलेगा ना आपका चलेगा, आपको मजबूरन में बंद करना है। आई पी कन्फ्लिक्ट ना, क्योंकि आई पी ऑलरेडी किसी को अलॉट हो गया जी, वाला जो आपने मैनुअली दिया, इसलिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कभी कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, कंपनीज में जाता, कंपनी में जाता, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कन्फ्लिक्ट होता है। कितने लोग चलाते, 3 या 4, और डी एस ई पी में 254 कंप्यूटर होते हैं, ज़्यादातर हमें सी क्लास का, ज़्यादातर हमें सी क्लास का ही आई पी मिलता है, क्योंकि 254 से ज़्यादा कंप्यूटर किसी कंपनी में होते ही नहीं है भाई, कंपनी के अंदर 254 से ज़्यादा होते ही नहीं है, इसलिए ज़्यादातर हमें ये आई पी मिलता है या क्लास लेस मिलता है। आई पी एड्रेस ये होता है, मगर सबनेट में सी क्लास का होती है, क्लास लेस 254। सर अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गूगल, उसके पास मतलब 256 जितना भी, उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर होगा, तो कैसे मैनेज करता होगा? विद इन अ नेटवर्क के अंदर अगर 256 होगा तो इतनी क्लास 64,000, सर मैंने आपको बताया ना 64,000, और बोलूँ अगर किसी के पास 1,000,000 है ना, एक क्लास है भाई साहब, आपके पास ऑप्शंस, ऑप्शन दे तो रहा, ऑप्शन बना नहीं कर रहा आईना, आईना कह रहा जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले आओ, इससे बड़ी तो नहीं ला सकते ना ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आज तक कभी देखी नहीं जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 कंप्यूटर हो, मैंने नहीं देखा। अच्छा सर, होम राउटर्स जो होते हैं उसमें 192.168 होता है, तो उसमें 172.16 नहीं लगा सकते हैं, आपको वहाँ पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको पता है आपके राउटर के पीछे अगर आपको 500 कंप्यूटर अटैच कर दें, तो आप ये वाला एड्रेस कभी यूज़ ही नहीं करोगे, क्योंकि इसमें कितने कंप्यूटर अटैच हो सकते हैं, 254। समझ आ गया, क्लियर है? तो आज के लिए बहुत है, फिर आगे सबनेटिंग करनी, कल का सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होगा। सर पिछले क्लास में जो आप बताए थे वो क्या कहते हैं वायर का, नहीं नहीं उससे पहले वायर वाला जो एक प्रैक्टिकल हाँ, हुआ था हाँ। तो सर कल हम एक जो आईएसपी है उसके मतलब उसके पास गए थे, तो वो जो वायर दिखाया था उसमें चार ही वायर था सर, मैं क्या आपसे कहा था, सुना नहीं था क्या आपने उस दिन? हो सकता है हम चार ही वायर यूज़ करते हैं, हम बाकी चार तो हमारे काम की ही नहीं है, बोला तो था आपको अनयूज दिखाई देता, अनयूज अनयूज, लेकिन इसमें तो है सर, है मगर यूज़ चार ही हो रही है, वो जो है और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो चार केबल वाला एयरटेल वाले होते हैं, काली रंग की पतली सी धार होती है, इससे बहुत इससे पतली होती है, क्लियर है ये सब कुछ? इरेज कर दूं एक बार सर, ये वाला एग्जांपल एक्चुअली क्या था, जब आपके पास कंप्यूटर, जब आपके पास इंटरनेट आता है, वो आपको आईपी प्राइवेट ही देते हैं, मगर आपका प्राइवेट से इंटरनेट नहीं चलता, क्यों? क्योंकि आपके राउटर के अंदर एक सेटिंग होती है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो आपकी प्राइवेट को ट्रांसलेशन कर देता है या ट्रांसलेट कर देता पब्लिक में, पब्लिक को जाने की तो परमिशन नहीं है, पब्लिक में मान लो ये वाला आईपी है, ये वाला आईपी है, तो यहाँ ध्यान से देखो 122, क्या ये किसी 33 में से किसी में आ रहा है? ये क्या हुआ प्राइवेट, प्राइवेट कौन सा था? ये वाला, ये कन्वर्ट हो गया पब्लिक में, ये चला गया इंटरनेट पे, यहां से गया रिप्लाई लाया, इसको दिया राउटर को, राउटर ने रिक्वेस्ट देखा किसने मांगी थी, उसको वापस दे दिया, फेसबुक ऐसे करता, आप फेसबुक बोलते वो यहाँ जाता है, वो राउटर तक जैसे ही पहुँचता है राउटर से आगे नहीं लेके जा सकता, तो राउटर उसे कन्वर्ट कर देता पब्लिक में, पब्लिक उसे ले जाता है, पब्लिक वापस आता है वो प्राइवेट में कन्वर्ट होता है, वापस मिल जाता है, तो पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, नेट 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 इज यूज टू कन्वर्ट पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, नेट की वजह से चीज चलती है, क्लियर? और कुछ ठीक है जी, चले साइन कर दो बस, कल करेंगे बहुत तगड़ा टॉपिक जिसका नाम है सबनेटिंग, जो एक बारी में नहीं आएगा, ठीक है ना? सबनेटिंग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, सबनेटिंग एक बारी में आपका नहीं हो पाएगा, सबनेटिंग में टाइम पूरा देगा।